तो हेलो गाइस, मैं विक्रम सिंह, यात्रा कंट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा हजार हाथ काली मंदिर, जो कि हावड़ा से आगे है, और मैं अपने दोस्त के संग जा रहा हूं स्कूटी में, संदीप सिंह, और मेरी यात्रा शुरू हो रही है वही ब्रिज पार्क से। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम महात्मा गांधी रोड पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से राइट ले रहे हैं हावड़ा के लिए मोहम्मद अली पार्क से, महात्मा गांधी रोड से। इसको आप देख सकते हैं, हम लोग सिद्धपुर सिग्नल क्रॉसिंग के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ से सीधा जाएंगे हम हावड़ा के लिए। सिद्धपुर क्रॉसिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं हम बड़े बाजार पहुंच चुके हैं। ये बड़ा बाजार है, यहाँ पर काफ़ी जाम है बारिश की वजह से, और ये गुरुद्वारा सीधा बड़ा बाजार है, सतनाई मार्केट सामने आप देख सकते हैं, और ये गुरुद्वारा है। हम लोग हावड़ा ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। हावड़ा ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा स्टेशन के लिए, उस तरफ से जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें राइट जाना है, हमें मंदिर के लिए राइट के लिए जाना था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने हावड़ा से राइट किया है, अब हम ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से कैसे जाना है हमें भी नहीं पता है, हम लोगों ने लोकेशन मारा है, लोकेशन में देखते हुए हम लोग जाएंगे। हम लोग चल रहे हैं नित्यानंद मुखर्जी रोड से, राइट लिया हम लोगों ने, और राइट लेके एकदम सीधा है ब्रिज से नीचे उतरते हुए। हम लोग चल रहे हैं जगत बनर्जी घाट रोड पे, अभी तक तो सीधा ही जाना है हम लोग को। हम ग्रैंड टंक रोड पहुंच चुके हैं, एक सिग्नल पर खड़े हैं, यहाँ से हम लोग को राइट लेके ब्रिज के नीचे से जाना एकदम सीधा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग गली गली में से जा रहे हैं, ये जगह पड़ता है शिवपुर, और ये गली गली के अंदर है मंदिर, और काफ़ी जागृत मंदिर है, और हजारों साल पुराना मंदिर है। हम लोग हजार हाथ काली मंदिर पहुंच चुके हैं, अंदर जाएंगे और माँ के दर्शन करेंगे, और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगा माँ के। तो दोस्तों, यहाँ कैमरा ले आना अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा यदि हो सके तो ज़रूर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा है, बंगला में भी लिखा है, ये बहुत पुराना मंदिर है, हजारों साल, बहुत प्राचीन मंदिर है, और माँ की प्रतिमा आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी सुंदर थी।
हेलो दोस्तों, माँ के दर्शन करके कैसा लगा आप लोग को, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मंदिर काफ़ी पुराना, हजारों साल पुराना, एक घर के अंदर है। काफ़ी सुंदर मूर्त है माँ की। और कोलकाता में आपको कौन से मंदिर के दर्शन करने हैं आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। और मेरे चैनल यात्रा कंट्री को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।